हेलो गाइस, व्हाट्सअप, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिटनेस बेसिक्स पे। एंड गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा प्रोटीन सोर्स आपके लिए बेटर रहेगा, वे प्रोटीन या एग्स। सो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा सोर्स लेना चाहिए, वे प्रोटीन लेना चाहिए या फिर एग वाइट्स कंज्यूम करना चाहिए। सो बने रहे इस वीडियो मेरे साथ। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, बिकॉज एक मिनट की वीडियो सीरीज में मैं आपको न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट के बारे में बताता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस सप्लीमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट। एंड सेकंड, कुछ लोग इसे लेना भी नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। और कुछ पेरेंट्स होते हैं फैमिली में जो अलाउ नहीं करते हैं इस प्रोटीन को लेने के लिए बिकॉज उन्हें लगता है कि ये नेचुरल नहीं होगा, इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका। सो बात यहाँ पे आती है कि जब हमारे पास प्रोटीन सप्लीमेंट का ऑप्शन नहीं है तो उस केस में हमें रिलाई करना पड़ेगा अपने फूड सोर्स पे, और वो फूड सोर्स हमारा कोई भी हो सकता है। सो उन्हीं फूड सोर्स में से एक हमारा सोर्स है एग वाइट्स, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं गाइज। सो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट की। अगर मैं बात करूँ किसी भी अमेरिकन ब्रांड वे प्रोटीन की तो उसमें आपको लगभग मिलेगा 24 से 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन, राइट, एक स्कूप में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग वाइट्स की, बिकॉज जब हम एग की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एग वाइट्स की बात करेंगे, ठीक है, हम एग योक की बात नहीं करेंगे। सो आपका एक जो होल एग होता है उसमें 6.14 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कैच ये है कि हमें कंज्यूम सिर्फ एग वाइट्स करना है। तो हमारे जो एक एग वाइट्स होगा उसमें हमें मिलेगा 3.5 ग्राम प्रोटीन। सो ये डिफरेंस हो गया, आपका जो एक स्कूप होगा वे प्रोटीन का उसमें आपको 25 ग्राम मिलेगा, एंड जो आपका एक एग होगा एग वाइट्स होगा उसमें आपको मिलेगा 3.5 ग्राम्स प्रोटीन। अगर अब यहाँ पे हम बात करें प्राइस फैक्टर की, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ किसी भी अमेरिकन ब्रांड को पिक करता हूँ वे प्रोटीन का, और 5 एलबीएस का अगर हम बात करें 2.2 केजी की तो हमें पड़ेगी लगभग 5500 से 6000 के बीच में, ठीक है। लेट्स एग्जांपल हम लेते हैं इसको 5500 का, उसमें जो आपकी सर्विंग होंगी वो 70 होंगी, तो डिवाइड कीजिए सिंपली 5500 को 70 से, हमें मिलेगा 78 रुपीज़। दैट मीन्स जो एक कॉस्ट होगी पर स्कूप वे प्रोटीन की वो होगी आपकी 75 से लेकर 80 रुपीज़ के बीच में, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एग वाइट्स की तो हमें 25 ग्राम जो प्रोटीन मिल रहा है वन स्कूप में, उसके लिए हमें यहाँ पे 7 एग वाइट्स कंज्यूम करने पड़ेंगे, राइट। तो आप जब इंटू करेंगे 7 को 3.5 से, बिकॉज 3.5 ग्राम एक जो आपका एग वाइट्स उसमें प्रोटीन होता है, तो इसके लिए हम 7 एग्स कंज्यूम करेंगे, उसे जब आप इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 25 ग्राम, राइट, जो बराबर होगा वे प्रोटीन के। लेकिन अगर यहाँ पे हम कॉस्ट की बात करें तो इंडिया में जैसे हम जानते हैं 6 to 8 रुपीज़ का हमें एक एग पड़ता है, पूरा होल एग पड़ता है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे 6 रुपये का अगर हमें अंडा मिलता है तो उस केस में हमारे 7 अंडे कितने के आएंगे, 42 रुपीज़ के। अगर यहाँ पे हम बात करें 8x की, सो हमें पड़ेंगे 8 × 7, दैट विल बी 56 रुपीज़। सो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर हम कंज्यूम करने वाले हैं 7 एग वाइट्स, यानी उसके लिए हमें 7 अंडे खाने पड़ेंगे सिर्फ एग वाइट्स, सो हमें लगभग पड़ेंगे वो 50 से 60 रुपये के बीच में। लेकिन अगर आप कंज्यूम करने वाले हैं वे प्रोटीन का एक स्कूप, सो आपको पड़ेगा लगभग 80 रुपये का। सो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 20 रुपीज़ का। सो आई थिंक एग वाइट्स यहाँ पर कंसिडर करें तो वो बेटर है आपके वे प्रोटीन से। सो नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है क्वालिटी। अगर हम बात करें यहाँ पे वे प्रोटीन की, सो डिपेंड करता है उसका जो रॉ मटेरियल है कहाँ से सोर्स किया गया है, ठीक है, कौन सा आपका ब्रांड आप पिक कर रहे हैं, उसके बाद उसका लैब टेस्ट प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका जो लेने वाले हैं वे प्रोटीन वो ओरिजिनल है कि नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, आप कौन सी वेबसाइट से ले रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं वे प्रोटीन जब हम कंसिडर करते हैं उसकी क्वालिटी। अगर हम बात करें यहाँ पे एग्स की, सो डिपेंड करता है जो मुर्गियाँ हैं जिन्होंने अंडे दिए हैं वो कौन सी फार्म में उनको रखा गया है, उनको केज में रखा गया है या फ्री घूमती हैं, किस तरह की उनकी फीडिंग है। सो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं एग्स के बारे में। सो हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है क्वालिटी का, बिकॉज यू नो क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, नेक्स्ट फैक्टर इज़ बायोअवेलेबिलिटी, दैट मीन्स हमारी बॉडी को कितना प्रोटीन मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ किसी भी वे प्रोटीन की, उसमें आपको सबसे पहले चेक करना होगा उसका स्कूप साइज़ कितने ग्राम का है और उसमें प्रोटीन कितने ग्राम का मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका स्कूप साइज़ है 30 ग्राम का, प्रोटीन मिल रहा है 25 ग्राम, सो 25 को 30 से डिवाइड कीजिए, इंटू कीजिए 100 से, यू विल गेट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ दैट प्रोटीन। सो उतना प्रोटीन आपकी बॉडी को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे एग वाइट्स की, सो उसमें आपको मिलेगा 3.5 ग्राम प्रोटीन, होल एग में आपको मिलेगा 6.14 ग्राम प्रोटीन, दैट मीन्स हमें पूरा प्रोटीन हमारी बॉडी को मिल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी।
सो गाइज नेक्स्ट फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ योर बायोलॉजिकल वैल्यू. दैट मीन्स हमारी बॉडी में कोई भी प्रोटीन सोर्स कितनी क्विकली अब्जॉर्ब होता है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू. अगर किसी प्रोटीन सोर्स की या किसी फूड सोर्स की जो बायोलॉजिकल वैल्यू हाई है दैट मीन्स उसका जो डाइजेशन रेट होगा वो हाई होगा. अगर किसी की जो बायोलॉजिकल वैल्यू लो है किसी प्रोटीन सोर्स की या फिर किसी फूड सोर्स की लो है दैट मीन्स उसका डाइजेशन रेट भी लो होगा, राइट. अगर यहाँ पे बात करें अगर हम कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन की तो उसका जो बायोलॉजिकल जो वैल्यू है वो 104 है. एंड अगर हम बात करें यहाँ पे वे प्रोटीन आइसोलेट की सो उसका जो बायोलॉजिकल वैल्यू वो 105 से 159 है, ठीक है. तो काफ़ी हाई है आइसोलेट की और इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन शेक को, बिकॉज इसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू काफ़ी हाई होती है और हमारी बॉडी में ये क्विकली डाइजेस्ट होता है, राइट. लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एग्स की सो उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू वो 100 है. दैट मीन्स लो है एज कम्पेयर टू वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एंड वे प्रोटीन आइसोलेट, ठीक है. दैट मीन्स ओवरऑल वे प्रोटीन से कम है बायोलॉजिकल वैल्यू एग्स की. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे. हाँ ये बात ज़रूर है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में एंड एब्जॉर्ब होने में, बिकॉज जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वे प्रोटीन के वो हाई है एज कम्पेयर टू एग्स. इसी के साथ यहाँ पे बारी आती है नेक्स्ट फैक्टर की, वो है एब्जॉर्प्शन रेट. जैसा कि हम जब जानते हैं कि जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वे प्रोटीन काफ़ी हाई है एंड दैट्स वाई इट इज़ द फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन. और इसीलिए ये हमारी बॉडी में ये 8-10 ग्राम पर आवर के हिसाब से डाइजेस्ट होता है, बिकॉज इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. अगर यहाँ पे हम बात करें एग्स की सो वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं 2.8 से लेकर 3 ग्राम पर आवर में, बिकॉज इसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू थोड़ी कम है, 100 है एज कम्पेयर टू आपके वे प्रोटीन से, और इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है. ऐसा नहीं हमारी बॉडी में एग्स डाइजेस्ट नहीं होंगे, बट थोड़ा टाइम लेंगे एज कम्पेयर टू योर वे प्रोटीन, बिकॉज वे प्रोटीन की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो हाई है और एग्स की लो है. नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पे हमारा है अवेलेबिलिटी. जैसा कि हम सब जानते हैं हमें एग्स कहीं भी मिल सकते हैं, इंडिया में हम रहते हैं सो आप इंडिया किसी भी कॉर्नर में आपको मिल जाएंगे एग्स, ठीक है. अगर हम बात करें यहाँ पे वे प्रोटीन की सो आपको ध्यान रखना होगा, आप किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं उसे, लेकिन ध्यान रखिए वो सप्लीमेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए एंड ऑथेंटिक होना चाहिए. नेक्स्ट फैक्टर इज फूड प्रेफरेंसेस. अगर आप एक वेजिटेरियन हैं सो आप कंज्यूम कर सकते हैं वे प्रोटीन. अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो उस केस में आप एग्स भी कंज्यूम कर सकते हैं एंड वे प्रोटीन तो कंज्यूम कर ही सकते हैं. सो गाइज यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि आप वे प्रोटीन एंड एग्स दोनों को कंज्यूम कर सकते हैं, दोनों प्रोटीन सोर्स को ले सकते हैं. अगर आप वे प्रोटीन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उस केस में आप एग्स कंज्यूम कर सकते हैं. गाइज ये थी मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन वे प्रोटीन एंड एग्स के बारे में. आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में एंड गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए सो दैट उन्हें पता लगे अपने प्रोटीन सोर्स के बारे में किस तरह से उन्हें पिक करना है, राइट. And subscribe to my channel. All right, guys, stay fit, stay healthy. My name is Virender, and thank you so much for watching.